दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के कौन है वीडियो में। इनकम फ्रॉम सैलरीज हम लोग कवर कर रहे थे, तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में लास्ट वीडियो में हमने अलाउंसेस का पार्ट टू कवर किया था, ठीक है, जिसमें मैंने हाउस रेंट अलाउंस का डिस्कशन आपसे किया था, और उसके पहले अलाउंसेस का पार्ट वन जिसमें फुली एग्जेम्प्टेड और फुली टैक्सेबल अलाउंस, और उसके पहले अगर बात करें तो सैलरीज की डेफिनेशन वाला वीडियो अपलोडेड है। मतलब 1, 2, 3 करके मैं सीक्वेंस में सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जा करके पिछले वीडियोज देख सकते हैं। बात करें देखिए इस वीडियो की, तो इसमें हम लोग अलाउंसेस का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में भी हम लोगों ने अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट यानी कि पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की बात करी थी, लेकिन उसमें मैंने आपको सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बताया था, ठीक है। उसके अलावा जो बचे हुए जो अलाउंसेस हैं उनकी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग अलाउंसेस डिस्कस कर रहे हैं, तो अलाउंसेस में हम लोगों ने फुली टैक्सेबल अलाउंस और फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, इनको हम लोगों ने अलाउंसेस के पार्ट वन में कवर किया था। हाउस रेंट अलाउंस हम लोगों ने पार्ट टू में कवर किया। पार्ट थ्री में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अदर्स की, ठीक है। अदर्स में एंटरटेनमेंट अलाउंस आ गया और जो स्पेशल अलाउंसेस होते हैं वो आ गए, तो इनको हम लोग अब कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाले अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट यानी कि पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस हो गए। तो पार्शली एग्जेम्प्टेड में हाउस रेंट अलाउंस आता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस आता है, और स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर, और सर्टेन एक्सपेंडिचर में आपका ऑफिशियल ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंस, इन दोनों के लिए हो सकता है। इसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वाले वीडियो में हाउस रेंट अलाउंस की, तो यहाँ पर इसकी बात हम नहीं करेंगे। नहीं देखा अगर आपने तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अलाउंस होता है, तो जाकर के इस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस वाला। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकी, एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की और एक इनकी। अब देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस जो हमारा होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है, मतलब हम लोग किसकी बात करें, हम लोग बात करें पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस की, तो ये वो अलाउंसेज होंगे जिनका कुछ पोर्शन जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी के बचे हुए पे हम लोगों को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा मेन जो फोकस होगा वो किस पे होगा, एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन निकालने के लिए। कि अगर आपको ये पता चल गया कि कितना पोर्शन आपका एग्जेम्प्ट है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने पे आपको टैक्स का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट अलाउंस, नाम से ही पता चला, जितने भी अलाउंसेज होते हैं उनके नाम से आप पता कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए वो मिल रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए मिल रहा है, मूवी देखने जा सकते हैं आप, इससे बाहर खाना पीना खा सकते हैं, तो ये सब आपके एंटरटेनमेंट के लिए जो मिलता है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर में आता है। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दोनों को मिल सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ग्रांटेड एज एन एंटरटेनमेंट अलाउंस टू द एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर इज फर्स्ट इंक्लूडेड अंडर द सैलरीज एंड देन द डिडक्शन इज अलाउड इन दिस कनेक्शन, ठीक है। डिडक्शन यहाँ पर अलाउ की जाती है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको क्वेश्चन में दिया है, अब आप उसको आंख बंद करके सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी टैक्सेबल सैलरी में उठा करके ऐड कर दीजिए। जब आप अपनी टैक्सेबल सैलरी निकाल रहे हैं तो उस टैक्सेबल सैलरी में आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस, जहाँ पर आप अपने अलाउंसेज ऐड कर रहे हो ना, डीएनएस अलाउंस, डीएनएस पे, उसके बाद मेडिकल बेनिफिट, ये फिक्स मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंस है वो सब जहाँ पर आप ऐड कर रहे हो उसमें उठा करके उसको चुपचाप से आप आराम से ऐड कर दीजिए। पहले आप क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस को आप ऐड करेंगे, इसके बाद आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, डिडक्शन उसका क्लेम कर सकते हैं। नीचे ये देखिए यहाँ पर जब आप अपनी ग्रॉस सैलरी निकालते हैं तो ये आपने अलाउंस में ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अदर वाले में आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड हो गया। अब ऐड करने के बाद आपकी जब ये सारी चीज़ आप ऐड कर लोगे तो आपकी मिल जाती ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी निकलने के बाद फिर आप क्या करते हैं, उसमें से डिडक्शंस को हटाते हैं। तो डिडक्शंस को हटाने में हमारा एक तो देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो कि 50,000 रुपये, उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस हम पहले तो ऐड कर देंगे बेसिक सैलरी में, उसके बाद डिडक्शन क्लेम करेंगे। लेकिन रुक जाइए, डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप हैं या फिर नहीं हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तभी डिडक्शन मिलेगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है तो फिर पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका ये डिडक्शन आपको मिलेगा, नहीं अगर है तो पूरा का पूरा जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अब आप डिडक्शन क्लेम ही नहीं जब कर पा रहे हो तो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर अगर आप लेस कर देते हैं तो बच जाते हैं, यहाँ पर आपने ऐड किया, यहाँ पर अब लेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नहीं, तो डिडक्शन जब क्लेम नहीं कर पा रहे हो तो पूरे के पूरे पोर्शन पर आपको टैक्स वहाँ पर देना पड़ेगा। तो क्या हुआ ये, इसमें मैंने आपसे क्या कहा, एंटरटेनमेंट अलाउंस सैलरी में पहले ऐड किया, उसके बाद डिडक्शन क्लेम करेंगे। डिडक्शन क्लेम करने के पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नहीं है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मान लीजिए, तो फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा नहीं कि पूरा पोर्शन उनको भी मिल जाएगा, इस जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है इनमें से कोई उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी एग्जेम्प्ट होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अमाउंट जो रिसीव किया, ठीक है, जितना भी अमाउंट वो एंटरटेनमेंट अलाउंस में रिसीव कर रहा है वो,
या फिर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी जो उसकी बेसिक सैलरी है। अब यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी है, सैलरी नहीं है। जैसे एचआरएम में हमने सैलरी की डेफिनेशन अलग देखी ना, सैलरी में हम क्या ऐड करते थे, एक तो बेसिक सैलरी, फिर डीएनएस अलाउंस, फिर कमीशन, यहाँ पर वो सब नहीं करना है। यहाँ पर आपका बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी का 1/5 पोर्शन यानी कि 20%, या फिर 5,000 रुपये एब्सोल्यूट अमाउंट दे दिए, ठीक है 5,000 रुपये। तो इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन उसको मिल जाएगी उतने की। और यहाँ पर अगर देखिए कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछता है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है, मतलब जो डिडक्शन क्लेम किया जाता है, तो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर होता है 5,000 रुपये का। ये एब्सोल्यूट लिमिट दी गई कि मतलब इससे ज़्यादा वो डिडक्शन क्लेम कर नहीं सकता 5,000 रुपये से, ये फिक्स है। तो यहाँ पर इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा वो उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बचे हुए पोर्शन पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस निकालने का तरीका। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसके केस में तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, तो उसमें आपको लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो एंटरटेनमेंट अलाउंस को। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर। तो ये वो अलाउंसेस होते हैं जो कि आपके ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी यूज़ होते हैं। तो अगर हम बात करें ए पॉइंट में, जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ था, ए पॉइंट में स्पेशल अलाउंसेस एक्सक्लूसिवली टू बी इनकर्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, मतलब जो ऑफिशियल वो अपने ऑफिस में काम कर रहा है, उस ऑफिस के काम करने के, उस परफॉर्मेंस को देने के, उसमें उसके जो खर्चे हो रहे हैं उनके लिए ये अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ठीक है, आप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। डेली के जो ऑफिस में खर्चे हो रहे हैं उनके लिए हो गया डेली अलाउंस। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस, ऑफिस से अगर घर से ऑफिस जाने के लिए जो कन्वेंस पे खर्चा हो रहा है उसके लिए। एक हेल्पर मिला हुआ है, जैसे आप देखते ना कि जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं उनको कई बार हेल्पर मिला हुआ होता है, जो फाइल इधर से उधर उठाने के लिए उनकी हेल्प करता है, ठीक है, किसी को बाहर से बुलाना है, अंदर करना है, मतलब कोई भी उनकी जो उनके जितने भी ऑफिस के काम होते हैं उनके लिए उनको हेल्पर मिल जाता है, तो ये हेल्पर अलाउंस हो गया। एकेडमिक अलाउंस, तो एकेडमिक अलाउंस किसको मिलता है, जैसे जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उनको अगर मान लीजिए अपना और कुछ रिसर्च करनी, स्टडी करनी, तो उसके लिए मिल जाता है, या फिर अगर पढ़ाई करनी जो कि जो पढ़ाई उनके ऑफिशियल काम में हेल्प करने वाली उसके लिए उनको मिल जाता है, तो ये एकेडमिक अलाउंस हो गया। यूनिफॉर्म अगर वो पहन रहे हैं ऑफिस में अपने, तो उसके लिए यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, मतलब यूनिफॉर्म को धुलाई के लिए, उसकी प्रेस करने के लिए, ठीक है, जो भी मतलब यूनिफॉर्म को मेंटेन करने पर जो खर्चा हो रहा है उसके लिए यूनिफॉर्म अलाउंस मिल जाता है। तो अब इसमें देखिए अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मेन जो इसका जिस्ट है वो ये होता है कि जितना पोर्शन आपको देखे टैक्सेबल अमाउंट आपको निकालना है। तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, जितना अमाउंट आपको मिला, क्योंकि अलाउंस में क्या होता है पहले अमाउंट मिल जाता है, तो जितना भी अमाउंट मिला है और माइनस कर दीजिए आपने जितना भी उस पर खर्चा किया है। सपोज़ अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म पे यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिला 3,000 रुपये का, हर महीने आपको 3,000 रुपये का, जैसे 3,000 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3,000 रुपये नहीं मिलता, लेकिन मान लेते 3,000 रुपये ये यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है, तो 3,000 रुपये अगर इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, आपने प्रेस कराने में, धुलाई में उसके जो खर्चा किया, मान लीजिए 2,000 रुपये आपने खर्चा किया, तो 3,000 रुपये मिला, 2,000 रुपये आपने उस पर खर्च किया, तो इसका मतलब आपका टैक्सेबल कितना हो जाएगा, जो बैलेंस अमाउंट यहाँ पर निकल करके आ रहा है, मतलब जितना पोर्शन आपका बच जा रहा है वो आपका यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए 3,000 रुपये आपको मिला, ठीक है, 3,000 रुपये आपको यहाँ पर मिला और आपके खर्चा हो गया 4,000 रुपये, ठीक है, खर्चा हो गया आपके 4,000 रुपये, तो 3,000 - 4,000 यहाँ पर आप -1,000 नहीं लिखेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनकम टैक्स में हम लोग माइनस नहीं लिखते, तो यहाँ पर आप लिखेंगे निल, क्योंकि ऐसा नहीं कि 1,000 रुपये माइनस में लिख के आप अपने उससे एम्प्लॉयर से कहें कि 1,000 रुपये मेरे एक्स्ट्रा खर्च हुए, मुझे इसका पैसा फिर से दो। आपको 3,000 मिले तो आपको उसी में एडजस्ट करना है, अगर कुछ पोर्शन बच जाता है तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, नहीं बचता है तो फिर आपका निल हो गया, ठीक है, या उससे ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया तो भी वो आपका निल हो जाता है। तो इसमें कभी भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दे दिया, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म, इनमें से कोई भी अलाउंस आपको दिया रहता है तो जितना पोर्शन मिला है वो देख लीजिए कितना है और आपने कितना खर्चा किया ये देख लीजिए, तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपको टैक्सेबल अमाउंट मिल जाता है। तो ये इसका पूरा हो जाता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर में अगर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, मतलब ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हमारे खर्चा हो रहे हैं, तो उनका टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालना होता है। इसके बाद अगर बी की बात करें, इसके सेकंड पार्ट की, जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, अब स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस, तो इसमें देखिए दो तरीके के आते हैं। एक होता है स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ, कंपेंसेटरी का मतलब होता है कि कंपेंसेट करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे स्पेशल हिल कंपेंसेटरी अलाउंस। अब हम लोगों ने एक हिल अलाउंस डिस्कस किया था स्टार्टिंग में जो कि फुली टैक्सेबल था, वहाँ पर मैंने आपसे ये बोला था कि जो आपको जिस मतलब जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, ठीक है, अगर वो 1,000 मीटर से कम हो जाती है, एक हिल अलाउंस हम लोगों ने देखा था ना, हिल अलाउंस के नाम से, इसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर जहाँ पे पोस्टिंग है आपकी, उस पोस्टिंग में जहाँ पर है अगर आपकी, तो वहाँ की हाइट अगर 1,000 मीटर से कम है,
लेस देन 1000 मीटर अगर है तो पूरा का पूरा जो एचआरए होगा वो ये हिल अलाउंस होगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन 1000 मीटर से अगर ज़्यादा हो जाती तो फिर वहाँ पर आपका कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए लिखा हिल कंपेंसेटरी अलाउंस, हिली एरियाज में अगर पोस्टिंग है तो वहाँ के लिए आपको दिया जाएगा कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि क्या है कंपेंसेटरी नेचर के। अब इनकी अलग अलग लिमिट दी गई है, जैसे हाई अल्टीट्यूड अलाउंस, इसके बाद अनकंजाइनल क्लाइमेट अलाउंस, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस, एवलांच अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस। तो देखिए ये सारे के सारे अलाउंस हैं, इन सबकी एक लिमिट दी गई है। लिमिट मैं आपसे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि देखिए एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। यहाँ पर जो मेरा मेन फोकस है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आपकी एचसी मल्होत्रा में पीछे जो अपेंडिक्स दिया रहता है उसमें ये सारे के सारे दिए गए, 600 रुपये किसी का, 400 रुपये सबकी लिमिट दी गई है। लेकिन एग्जाम में आपसे इस बारे में पूछा नहीं जाएगा, मतलब इतना डिटेल में वो नहीं जाते हैं कि आपसे स्पेशली ये पूछ लिया कि हिल ये हाई अल्टीट्यूड अलाउंस में कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है। बहुत रेयर चांसेस, बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं, सबकी अलग अलग लिमिट, कितनी लिमिट आप याद करेंगे। तो आप बस नाम याद कर लीजिए कि ये जो अलाउंसेज होंगे ये हमारे पार्शली टैक्सेबल के अंदर में आते हैं बस। इसके बाद जैसे ये वाला हमारा फर्स्ट था स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, इसी तरीके में सेकेंड हमारा देखिए क्या है। सेकेंड बोला है स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस जो कि आपको मिलेगा किसके लिए, ट्राइबल एरियाज़ के लिए, शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए या फिर एजेंसी एरियाज़ के लिए। तो इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल एट द रेट ऑफ 200 रुपीज़ पर मंथ इन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो इन स्टेट्स में से अगर किसी में वहाँ पर वो है पोस्टिंग है, ठीक है, तो ये स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस अगर मिला है तो ये ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया और एजेंसी एरिया इन सब के लिए काउंट होता है। और इसमें जो एग्जेम्पशन अवेलेबल होती है वो होती है 200 रुपये पर मंथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए साल का अगर 4000 रुपये मिल रहा है, साल का अगर 4000 रुपये मिल रहा है इसी स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस के नाम से, तो उसमें से 200 रुपये पर मंथ यानी कि साल का कितना हो गया 2400 रुपये पर 2400 रुपये साल का, तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा 2400 रुपये। और 4000 रुपये आपको मिला था तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 4000 माइनस 2400 यानी कि 1600, ठीक है, 1600 रुपये जो है वो टैक्सेबल यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालते हैं, बस इसकी लिमिट याद रखिए कि 200 रुपये पर मंथ है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल और बिहार एंड उड़ीसा। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अलाउंस आता है ये वाला, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी और लॉन्ग में भी आपको वो दे देते हैं, ठीक है, जब पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर भी आपको ये चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस ये सब देखने को मिल सकते हैं। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में आपका एग्जेम्प्ट होता है 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरी उसकी क्रिकेट की टीम बना रखी 10 बच्चों की और हर बच्चे पे 100-100 रुपये पर मंथ आप क्लेम करते जा रहे हैं, मैक्सिमम 2 बच्चों तक मिलेगा। यानी कि आप मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो, 200 रुपये पर मंथ क्लेम कर सकते हो 2 बच्चों के लिए। अगर 3 बच्चे तब भी 2 ही बच्चों के लिए मिलेगा, 4 बच्चे तब भी 2 ही बच्चों के लिए मिलेगा। तो मैक्सिमम आप 1 महीने में 200 रुपये क्लेम कर सकते हैं पर मंथ, ठीक है, पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2, मतलब 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड है तो मैक्सिमम आप 200 रुपये क्लेम कर पाओगे 1 महीने के अंडर में। इसी के बाद चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस की बात करें तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन है, बस यहाँ पर अमाउंट बढ़ गया, यानी कि 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, ठीक है, 3-4 इनसे मतलब नहीं, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आप कितना क्लेम कर सकते हो 1 महीने में, 600 रुपये। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एग्जेम्पशन अवेलेबल ओनली इफ द एम्प्लॉयज ब्लाइंड, डेफ, डम और ऑर्थोपीडियकली हैंडीकैप। तो यहाँ पर एग्जेम्पशन दी गई 3200 रुपये पर मंथ की, ठीक है, मैक्सिमम मतलब 3200 रुपये पर मंथ उसको मिलेगा अगर वो ब्लाइंड, डेफ, डम या फिर हैंडीकैप है तब। अब ये देखिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले 2018 के पहले तक हर एक एम्प्लॉय को मिलता था, मतलब जिसको भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से मिला उन सबको एग्जेम्पशन यहाँ पर मिलती थी। इसी के साथ में एक मेडिकल बेनिफिट के नाम से एक परक्यूजिट भी होता है, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो जब 2018 का बजट आया था तो उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ये मेडिकल बेनिफिट वाला परक्यूजिट जो होता था इसकी एग्जेम्पशन, इन दोनों को हटा करके गवर्नमेंट ने क्या किया था, 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर दिया गया था। अब ये 40,000 रुपये 50,000 रुपये हो गए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से आपका आता है। तो इन दोनों को क्या है, इन दोनों को हटा दिया गया, मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस में जो एग्जेम्पशन है वो नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए वो हटा दी गई है, साथ में मेडिकल बेनिफिट की भी जो थी वो हटा दी गई है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जेम तो होगा लेकिन अब सिर्फ ब्लाइंड, डेफ, डम और हैंडीकैप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो एग्जेम्पशन होगी और वो होगी अप टू 3200 रुपीज़ पर मंथ।
इसके बाद नेक्स्ट हमसे बोले एनी अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन काम करता है, जैसे कंडक्टर हो गए, ठीक है, क्लीनर हो गए जो बस के होते हैं, तो ये सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो होते हैं। इनके में कितनी लिमिट दी गई, इनके में 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 रुपीज लीस्ट इज एग्जेम्प्टेड। तो या तो 70% जितना उनको अलाउंस मिल रहा है उसका 70% या फिर मैक्सिमम 10,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है अंडरग्राउंड अलायंस जो कि एग्जेम्प्ट होता है 800 रुपये पर मंथ। और इसके बाद लास्ट आ जाता है स्पेशल अलायंसेज टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज। तो देखिए जहाँ जहाँ पे लिमिट मुझे ज़रूरी लगी वहाँ वहाँ पे मैंने डाल दिया, जैसे ये चिल्ड्रेन एजुकेशन अलायंस, ठीक है, चिल्ड्रेन हॉस्टल अलायंस, ये ट्रांसपोर्ट अलायंस में हो गया, उसके बाद ये अंडरग्राउंड अलायंस। तो ये जितने भी मुझे ज़रूरी लगे मैंने डाल दिए। आप चाहें तो अपनी बुक में जो एचसी मल्होत्रा उसमें आप जाकर के और भी अलायंसेज पढ़ सकते हैं, मतलब उनकी डिटेल आप देख सकते हैं, उसमें लिमिट सबकी दी हुई है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाइए क्योंकि इतने कंडीशन आप याद नहीं कर पाएंगे। उसमें भी जैसे ये वाला है ना, ये स्नो बाउंड एरिया अलायंस, ठीक है, या फिर बॉर्डर एरिया अलायंस, तो इसमें भी 75 तरीके की कंडीशन दी है कि इस एरिया में होगा तो इतना, इस एरिया में होना चाहिए, इस एरिया में होना चाहिए, चार चार कंडीशन लगा रखी। तो इतना याद अगर आपको हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद होता तो मत याद करिए, कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आप बस इसकी ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है इसका ध्यान रखिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका एग्जेम्प्ट होता है, ये होता है सेक्शन, मतलब ये जो डिडक्शन इसका मिलता है वो मिलता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंडर में, ठीक है। ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सैलरी हम लोगों का चलता है 15, 16 और 17, इन तीन सेक्शंस में हम लोगों को दिया गया है। तो सेक्शन 16 के अंदर में डिडक्शन आती है और इसी के अंडर में सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंडर में हम लोगों को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो बस आप इसका ध्यान रखिएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का। बाकी ये वाले जितने भी अलाउंस हैं, ये वाले, ठीक है, इनकी लिमिट आप ध्यान रखिए, बस इतना ही आपके लिए ज़रूरी है। अब अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में यार चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।